माँ ने कहा था बेटा कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना, तो हमने दिल को छोड़ के बाकी सब तोड़ा। फिर कहा दिल से ईमानदार रहना, तो पूरी जिंदगी आफत से आशिकी की हमने, पर आज लगता है हम मिनिमाइज होने जा रहे हैं। ये हल्का पानी पिएंगे या कुछ भड़कीला पसंद करेंगे? भड़कीला मिल जाए तो अच्छा है। भड़कीला तो उधर मिलेगा। चीयर्स। चीयर्स। हम रुद्र, नंदिनी के फर्स्ट कजिन। हाँ। और आप?
वैसे मैं हूं तो सेकंड कजन, पर फर्स्ट से भी ज्यादा क्लोज हूं। अच्छा। अबे हम नहीं, सारी दुनिया कहती है कि पुष्कर को छोड़कर ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है। काय नहीं है? अबे ब्रह्मा जी से ये हमारे चचा के खास हैं, लल्लन तिवारी, बचपन से सी हवेली में पले। Cheers! राजा आएगा इंग्लिश हीरोइन। यार एक बात बताए, क्या हम बिन बुलाए बाराती हैं? आज सुबह बवाल हो गया था, कुछ लड़के दौड़ा रहे थे, हमने बारात देखी और शामिल हुए। हमें लगा था तुम्हारे कपड़े देख के बारातियों वाला रोब नहीं था। गुरु बहुत खतरनाक लाइन मार रही है तुम्हें। अबे नाचे तो थे, कुछ किया थोड़ी गुरु। अबे तो रोक कौन रहा है, करो। रुद्र भैया, बुआ बुला रही है। हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। आते हैं गुरु। हेलो, नाम नाम क्या है तुम्हारा? राजा, राजा मिश्रा। राजा मिश्रा, बहुत घूर रहे थे दिन भर, अगर बता देना अपने लोगों को तो ऐसी तोड़ाई होगी ना कि। बता दीजिए, डरते थोड़ी है किसी से। नहीं डरते, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? कोई टिकती नहीं ज्यादा दिन। तो हमें कौन सा टिकना है ज्यादा? एक मिनट। अरे नाम तो बता दीजिए अपना। नाम जानकर क्या करोगे? लिस्ट में लिखेंगे 155। बहुत बड़े शिकारी हो। शिकारी तो जानवर को मारते हैं, हम तो जानवर जगा देते हैं दूसरे के अंदर। अच्छा, तब फिर और सब सेट? जी भैया। आधे घंटे में पूरा काम तमाम करना है। जी। घर में घुसना, परिवार का जो दिखे हिचकिचाना नहीं, सीधा खत्म कर देना। बस उस परशुराम को हम खुद मारेंगे। देखो ऐसा मौका दोबारा ना आएगा। अबे सुनो बॉस, बॉस यहाँ हमला होने वाला है। अरे ललन तिवारी यहाँ 10-15 गनर्स के साथ आ रहा है। अच्छा। अबे रुद्र, घुसो ताला, घुसो घुसो।
सर ये हमारे दोस्त हैं, हमने बुलाया था इन्हें। ठीक है मैं समझ गया, पर लोगों का कहना है कि ये बारात के साथ आया था। अरे बारात के साथ आया था का मतलब? देखिए मैं सर, मैं ना तो घर आती हूं ना बाराती। कल मुझे मेरा झगड़ा हो गया था, कुछ लड़के दौड़ आ रहे थे, मैं बारात में शामिल होकर अंदर आ गया। ठीक है तुम हमारे साथ चलो थाने। एसपी साहब, जिस लड़के के पैर हमें पड़ने चाहिए आप उसे थाने ले जा रहे हैं। एक बात बताओ बेटा, कहाँ अपनी जान जोखिम में डाली हमारे लिए? जी रुद्र से दोस्ती हो गई। 4 घंटे की दोस्ती के लिए तुम जान पर खेल गए अपनी, और वो साला लल्लन जिसे हमने बचपन से पाला। एक बात बताइए सर, लल्लन तो आपका खास था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? उत्तर प्रदेश की राजनीति ने सबके खास खत्म कर दिए, अब तो जो जान दे दे बस वही खास है। पूरी तैयारी के साथ गए थे भाई साहब, जगजीवन के लोग भी साथ में थे, गलती की कौनो गुंजाइश नहीं थी। इसके बावजूद ये 2 लौंडे भारी पड़ गए तुम्हारी सेना पे हैं? अरे यार ये हमेशा 2 ही क्यों होते हैं? का मतलब हम समझे नहीं। अबे 16 में भी 2 ही थे ना। क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब, यह हमारी बेइज्जती हुई और आप 16 कर रहे हो। तुमने कहा था ना पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, कुछ कर तो पाए नहीं तुम, ऊपर से हमारे चारों में मरवा दिए। भाई साहब अगर ये 2 नहीं होते ना। बिपिन हुआ जी भैया, ये आओ। साला ढूंढो और समझ लो, कसम देते हैं भाई साहब आपकी अफीम की खेती परशुराम के इलाके में जरूर उगेगी, वरना आपका छुरा और हमारा गर्दन कभी भी काट लेना। अबे क्या करेंगे तुम्हारी गर्दन का? हाँ, इसका तो कोई फायदा है नहीं, जिंदा ही हम ज्यादा काम के हैं, पहले वो दोनों लड़के खत्म किए जाएंगे। सर होटल मैनेजमेंट तो कभी किया नहीं पर सीख लूंगा सर, आप चाहे मुझे 1 महीने के लिए टेम्परेरी। ब्राह्मण होके लोगों के झूठे बर्तन उठाएगा? पिताजी प्लीज यहाँ नौकरी लग रही है। तो क्या तुम कोई दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ सकते थे? नहीं आपसे नहीं कह रहा हूँ जी सर, बायोडेटा तो कल ही भेज दिया था जी। थैंक यू सर। ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? क्या हो गया? तुम आई हो ना, आ चले आओ। अरे कहाँ चले भाई साहब, अभी अभी तो बेचारे की नौकरी लगी है, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे थोड़ा थाने ले जाके इंट्रोडक्शन करेंगे और का। फोन करके बोलो हम लोग चल दिए हैं। क्या जरूरत थी बे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब जो भी किया आत्मरक्षा के लिए किया, ऐसे ही थोड़ी। चलो सर आओ, अब लंबे फंसबो तुम। चलो अरे रुद्र यार ये पार्सल इसको आलमबाग में देते जाना, तुम्हारे घर के रास्ते में पड़ेगा। अरे यार इतने पैसे काहे को दे दिए? अबे जरूरत ही उनको दे दिए और आ जाएंगे। अच्छा चलो बैठो। अरे भाई साहब ये रुद्र त्रिपाठी यही काम करते हैं क्या? हाँ बताइए। हम उनके गांव से आए हैं। अरे वो जो जा रहे काला हेलमेट पहने, अरे रुद्र भैया निकल गए, अब कल मुलाकात होगी। रुको रुको रुको, चलो उतरो। अरे उतर वो तुमको तो बेटा हम जेल में नहीं चिड़ियाघर में जमा करते, लेकिन अब क्या करें, ऊपर से फोन आएगा। चलो अब जाओ, निकल लो जाओ। अरे जाबो
अभी नहीं जा सकते तुम बेटा, आज सकट है, हमने व्रत रखा है तुम्हारे लिए। अरे आओ चलो थोड़ी देर पूजा में बैठ के जाना। कितना टाइम लगेगा? एक तो बच्चों के लिए व्रत रखो, ऊपर से धौंस जमाते हैं। चलिए चलिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे क्या भैया, चलोगे नहीं क्या? अरे एक काम करो, हमारी बाइक लेके निकलो, हम आते हैं थोड़ी देर में। आंटी। गुरु हमें लगता है ये गोली तुम्हारे लिए थी। हमारे लिए? हाँ, कल तुम्हारे जाने के बाद दो लोग तुम्हें पूछने आए थे। हेलो। हेलो राजा, आपका फोन है। हेलो। हेलो राजा, हम रुद्र। यार रुद्र, हमें तुम्हारे फोन का इंतजार था, हमारा फोन टूट गया, सिम कार्ड किसी और के फोन पर लगाया। अरे हमने तो सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि सब ठीक तो है। नहीं बॉस, हम पर तो पुलिस ने हमला किया। तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ क्या? कहाँ हो? चच्चा हम तो चाहते हैं बस ये बवाल टले, और हम दोनों की जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी चले। कैसी चल रही थी? हाँ? तुम तो पोस्टमैन हो और ये नौकरी ढूंढ रहा है। अरे अगर मिल भी जाएगी तो कितना कमा लेगा? 10,000-20,000? हाँ? तो का सजेस्ट करते हैं आप? हम तो सजेस्ट करते हैं कि हमारी फौज में भर्ती हो जाओ। अरे आपकी फौज में? तुम दोनों बने हो इसी काम के लिए। अबे बंद करना यार, बार बार दिए जा रहा, हाथ में दर्द हो रहा है। पढ़े लिखे भी हो? अरे पढ़े लिखे बकैत मिलते कहाँ हैं आजकल। चुप रहो। चच्चा ये पॉसिबल नहीं है, आप तो कुछ और कीजिए। ठीक है तो जेल चले जाओ। अरे जेल कैसे? हमने भी कई दिन गुजारे हैं वहां पे, जब मामला ठंडा हो जाए तो बाहर आ जाना। अरे किसी के बर्तन तो नहीं उठा रहा? किसी से कुछ कहने की क्या जरूरत है? पूछे तो कह दीजिएगा दिल्ली गया है एमबीए करने, और यहाँ माहौल भी अच्छा है। अब इसमें हमारी कोई खतरा नहीं, क्या गलती है? सब मस्त है। आप एक काम कीजिए, चच्चा से बात कीजिए, वो समझाएंगे आपको। गरम गरम है खाना, खा लीजिए। कहाँ फंस गए यार? क्या कहाँ फंस गए यार? तो कहाँ इंतजाम करवाएं आपके लिए, मुजरा ऑर्गेनाइज करवाएं? हाँ ये इंतजाम भी हो जाएगा, एल्बम भिजवाएं क्या? यार तुम कटो यहाँ से, सिर्फ 5,000 रुपए में आपकी हसरत पूरी हो सकती है। अबे तुम निकलो यहाँ से, जिंदगी नरक हुई पड़ी है। वैसे एक आदमी है जो आपकी तकलीफें दूर कर सकता है यहाँ पे, मेरा रेट 2,000 रुपए है। बहुत बढ़ के वो लग रहे हैं, आप एक काम करो माफी मांग लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक मिनट होल्ड करेंगे तुम्हारा ये। हाँ सर जी, भाई आप ले लीजिए इनका केस, डेट बढ़ जाएगी। हुकुम सिंह जी। श्रीवास्तव जी। हाँ ये रुद्र हैं और ये राजा। हाँ, आधे घंटे में फोन करता हूँ। धन्यवाद सर, बैठो। हम दोनों के पीछे अखंड वीर के आदमी पर। एक मिनट। हाँ जग्गी। अरे मालूम है यार इंक्वायरी चल रही है, तो क्या हुआ? हम पे भी तो बैठी थी इंक्वायरी, आ गए हम यहाँ हाई कमांड का हुक्म मानने, बन गए बलि का बकरा। मुझे बात नहीं करनी यार इस बारे में, डोंट कॉल मी अगेन। क्या बोल रहे थे तुम? हम दोनों के पीछे अखंड वीर के आदमी पड़ गए, खास करके लल्लन तिवारी। सब पता है, मार दो जाके सालों को। सर हम गुंडागर्दी नहीं करना चाहते। अरे तुम लोग गुंडे थोड़ी हो, तुम लोग हो पॉलिटिकल कमांडो। जैसे आर्मी होती है देश की सुरक्षा के लिए, उसी तरह से जो लोग देश चला रहे हैं उनको भी तो अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है भाई। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, दे ऑल्सो नीड सिक्योरिटी। नहीं वैसे बड़े बड़े सर्कल में बातें चल रही हैं तुम्हारी आजकल। हमें गुंडागर्दी नहीं करनी है सर। सोच के बताना। नमस्कार भाभी। पधारिए भाई साहब। दीदी नहीं आई?
बिटिया भी घर से गई है इसलिए। जी मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे घर पे हमला कराना पड़ा उसके लिए माफी चाहते हैं। हमला तो ठीक है, दिन बहुत गलत चुना तुमने। नंदिनी की शादी थी, प्लान हमारा नहीं था, लल्लन तिवारी का था। जानते हैं लल्लन तिवारी कहां है? अरे लेके आओ लल्लनवा को। छोड़ हमें, कुछ हो गया ना तो क्रांति हो जाएगी बॉय। अरे दादा हमसे बड़े गद्दार तो ये है। लेके जा साले को। माफ कर दो हमें दादा। कहां ले जा रहे उसे? अब इसे सजा हमें देने दो। करो अरे अब तो पी लो, पड़े पड़े गरम हो रहा है। गन्ने का जूस पीने की आदत गई नहीं तुम्हारी? अरे गन्ने का जूस तो मैं कभी भी पिला दो। जाने से पहले एक बार लल्लन की लाश देखना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर। वो देखो वो पड़ा है। दिव्या को कॉलेज में कितने थे? 5। हाँ करीब 5 लड़कों ने घेर लिया था। क्या पूछ रहे थे? तुम्हारा पता और क्या, वो तो अच्छा हुआ इसके प्रोफेसर ने देख लिया वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं देखता हूं। कॉलेज में कुछ लड़के हमारी बहन को घेर लिए थे। ख्याल रखना। सब अरेंजमेंट ठीक है ना वहां? पहुंच गए सब लोग? हाँ बताइए कब निकलना है, हम तैयार हैं। हो क्या रहा है बॉस, कहीं जा रहे हो क्या? लल्लन तिवारी ने चचा जी और इनके आदमियों को मार डाला है और हमारी भी कोई सेफ्टी नहीं है। अब हमें पता चल गया है वो कहाँ है। अखंड वीर और उसके भतीजों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा है, वहीं छुप के मारेंगे साले को। यार अब छुप के मारने का क्या फायदा, सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसे राजा और रुद्र ने मारा है। ये हमारे घर की लड़ाई है यार। हमारी बहन छेड़ी गई, पुलिस हमारे घर में घुसती है, हमें दौड़ाया गया, एनकाउंटर, झगड़ा हमारा भी हुआ ना। चलो हम तो भूल जाएं, पर ये गुस्सा है कि मानता नहीं। याद है ना ब्राह्मण लूटा तो रावण। काम खत्म करके यहीं आना। आई लाइक व्हाट आई एम सीइंग। अबे ब्रह्मा जी की कहानी सुने हो कि नहीं तुम लोग? बताओ भैया। देखो उनका एक ही मंदिर है पुष्कर में, कहे कि उनसे ऐसी गलती हुई जिसके लिए उन्हें श्राप मिला। अबे यार टायर हुआ कैसे फट गया बे? कौन था ना? तुम्हें सुनाओगे सारी कहानी। हमारा नाम है राजा मिश्रा। और ये जो दूसरा निशाची है इसका नाम है रुद्र। राजा और रुद्र आज से सबके विरुद्ध। चलो उठ। साले तुम हमारे चचा को मरवाई दिए पर हमारे दोस्त को भी, अब तुम्हारी मौत आई है, बोलो प्रणाम। फिल्मी बंदूक थोड़ी है जो चलती जाएगी बेटा।
पहचानते हो ने? यह है लल्लन गद्दार। तो कैसे सुनाओगे? एक था लल्लन गद्दार जिसने उसी की थाली में छेद किया जिसने इसे खाना खिलाया। चल भाग जा। हट सर। कहां जा रहे हो? चलो तुम्हारे से कहे गुरु। अरे क्या कर रहे हो रुद्र भैया? माफी में बहुत जोर है, क्या कर रहे हो? हमें माफ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तुम भी एक कहानी सुनाते हो ना ब्रह्मा जी की? चल सुना जरा। अबे राजा पगला गए हो क्या? अब इससे कहानी सुनोगे तुम? अरे और नहीं तो क्या बे, मरने से पहले जान तो जाए कि क्या गलती की है जिंदगी भर। सुना बे, काहे नहीं करते ब्रह्मा जी की पूजा? ब्रह्मा जी? अबे छी, अरे इसीलिए तो ने श्राप मिला। मार गोली साले को। हम नहीं। अब ब्रह्मा जी को याद करो, जोर से बोलो, ब्रह्मा जी की जय। ब्रह्मा जी की जय। जोर से बोल ब्रह्मा जी की जय। धार्मिक मामलों में हमें अश्लीलता बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना गुरु? आज तक कभी कुछ गलत कहे हो तुम? और वो क्या कह रहे थे, राजा और रुद्र सबके विरुद्ध? नहीं नहीं, अच्छा तुम लोग आराम करो। अब आराम नहीं करना है हमें, अब अखंडवीर का काम तमाम करना है। अरे इतना उत्तेजित ना हो, एक आम गुंडे और पॉलिटिकल कमांडो में फर्क होता है। तुम लोगों को चाहिए पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, उसके लिए आप भैया आप हैं ना? हम पॉलिटिशियन थोड़ी हैं, हम हैं पॉलिटिकल एडवाइजर, सलाहकार। अखंडवीर को मारने के लिए तुम्हारे ऊपर हाथ होना चाहिए किसी बड़े नेता का, और किस नेता को तुम्हारी जरूरत है ये हमें मालूम है। किसे? रामबाबू शुक्ला। रामबाबू अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। वो मंत्री नथुराम को फिनिश करना चाहते हैं। इसकी शादी होने वाली है। नथुराम बहुत बड़ा लीचड़ आदमी, उन्होंने उसे मारने की सुपारी दी थी सुमेर यादव को, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आसमान की चिड़िया भी उसके ऊपर से अपना रास्ता बदल देती है। इतना सटीक निशाना था उसका। था मतलब मर गया क्या? उसके पीछे पड़ी है पुलिस, इसलिए पागल होने का नाटक कर रहा है। बोलता है मैं राधा हूं। क्या? सुमेर यादव राम बाबू का काम करने में कर रहा है देरी। अगर तुम दोनों नथु राम को मार दो तो राम बाबू का हाथ तुम्हारे ऊपर और अखंडवीर तुम्हारा, साथ ही उत्तर प्रदेश की पूरी सिक्योरिटी तुम्हारी मुट्ठी में। बना लो प्लान। गोली चलाने के लिए प्लान नहीं, जिगरा चाहिए, और जिगरा बहुत मजबूत है हमारा। आप जरा गंगा जल का जुगाड़ कीजिए। गंगा जल? ये क्या गंदगी फैला रखी है हमारे घर के बाहर? शर्मा जी, जब आप हमारा घर साफ नहीं कर सकते तो सिटी का क्लीन करेंगे। हो चुका है। साफ करिए। अभी करता हूं सर। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, एक्सक्यूज मी सर, रुकिए सर, हम दिल्ली से आए हैं, ब्रेकिंग न्यूज टीवी से। जी बोलिए। सर के 15 मिनट मिल जाएं तो बाग तटाक हो जाए। बाकी दिल्ली में आपका कोई काम हो तो बताइए। तो सर आपको क्या लगता है, आप ये जो अपनी और अपने परिवार वालों की मूर्तियां बनवा रहे हैं इसका क्या फायदा होगा? इतिहास याद रखेगा कि नाथू राम राज के लिए कितना बलिदान दिए। हाँ, बलिदान भी दे सकते हैं, क्यों नहीं, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात। वो आपका कैमरामैन कहाँ है? वो कहीं दूर से ले रहा है, एक सेकंड। दूर से का है? हाँ। अबे उसको पीछे ले गया, पेड़ आ रहा है बीच में। सर थोड़ा वापस मुड़ के चलेंगे। वापस? वापस का है? क्या है ना कि आपके बलिदान की जगह थोड़ा पीछे है। काम करो, इसे दूर लेके जाओ, हम भी 100 मीटर से मारेंगे।
सुमेर यादव का रिकॉर्ड तोड़ना है। राजा रिकॉर्ड बाद में बना लेना, पहले इसका सुहाग करते हैं। कई मौके आएंगे रिकॉर्ड बनाने के, तू इसे गोली मार। तू ये मौका कौन सा बुरा है बे? फिर राजा क्या कर रहा है? तुम एरिया नापो। क्या कर क्या रहा है राजा? ये लो, ये डंडी 1 मीटर की होगी। तय खड़ा रहे। यादव ने 100 मीटर से गोली चलाई थी, 100 मीटर नापते नापते शाम हो जाएगी, चला गोली। अबे सामने 5 मिनट लगेंगे, तू किंतु से यार। अबे फायरिंग हो गई। ज्यादा वफादारी ना दिखाओ। तुम्हारी आत्मा की शांति। ये क्या है? गंगा जल। इस बेकार आदमी के लिए शहीद होने की कोई जरूरत नहीं, चल भाग। मार दिया। अरे यार चल। अभी सुबह यादव का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है गुरु। वॉक द टॉक, तुम दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। राती सर प्रणाम। सुमेर अब तुम किसी काम के रहे नहीं, तुम राधा ही बने रहो। तुम्हारी जगह और ने ले ली है। बहुत जल्दी नाम भी समझ में आ जाएगा। एक बात बताते, तुम्हारी जरूरत अब रही नहीं, हमारा काम हो गया है। इसको पहने रखिएगा, रक्षा करेगा तुम्हारी। अखंड वीर सिंह के लिए राम बाबू शुक्ला तुम्हें पूरी छूट देता है। आज से पूरा उत्तर प्रदेश तुम्हारा है। अरे फाटक बंद है, टाइम लगेगा। ये रोक ले इस साइड में, पेड़ के नीचे। अबे जरा गाना तेज कर बे। पिला भाई बढ़िया सा जूस जरा, नींबू निचोड़ देना सही से। ठीक नहीं किया तुम, ऐसे व्यवहार क्यों? लो तुम भी कर लो वार, हम भी खड़े हैं नियत है। मार मार। Ah!
शिवाई, एक काम है। परसों सीतापुर के आगे सुमरिया गांव में एक मीटिंग होने जा रही है रात को 9 बजे। अखंडवीर के अफीम के कारोबार की जिम्मेदारी को बांटा जा रहा है। हमारा काम है पूरे पूर्वांचल को सिक्योरिटी देना। तुम दोनों हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर जा रहे हो। ये काम बजाज साहब की देखरेख में हो रहा है। तुम दोनों चुप रहो। एजेंडा तो आप सबको मालूम है। 7 महीने बाद 4 राज्यों में इलेक्शन है। 1 साल बाद यूपी के इलेक्शन है। करेक्ट। मैं एक बिजनेसमैन हूं और ऊपर से मारवाड़ी। हमें तो फ्रेंडली सरकार चाहिए, क्यों यादव जी? इसीलिए इस मीटिंग में मैं अपने 5 व्यापारी दोस्तों को कन्विंस करके लाया हूं कि वो भी पार्टी फंड में 100-100 करोड़ डालेंगे। पर इतना काफी नहीं है, हमें और पैसे चाहिए। अरे, और वो पूरे होंगे अखंड वीर की अफीम की खेती से, जिसे आज से मैं संभालूंगा। उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए, जो राम बाबू देंगे। सक्सेना साहब को तो आप जानते ही हैं, सरकार भी हमारा साथ देगी। उसके एवज में 20% हम पुलिस फंड में डालेंगे। सक्सेना साहब, तो अपोजिशन वाले। सक्सेना साहब, आप आईजी रेंज आगरा थे ना? और एक माय गुड नेम राजा मिश्रा, ही इज रुद्र त्रिपाठी। नमस्ते। अगर ये इलेक्शन हम हार गए, आगरा गर्ल्स हॉस्टल में कांड हुआ था, यही था? अरे पहले से हेल्दी हो गए सर, हेल्दी हो गए ना? वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन तो हमारे हाथ में, पुलिस क्या उखाड़ लेगी? हेलो बजाज सर, बजाज साहब, आपने हमारे इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया किसी से। ए तुम दोनों को यहाँ बिठाया सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए, सलाह देने के लिए नहीं। ये... अरे बजाज साहब, हम तो ऐसे ही क्या, ऐसे ही बात चल रही है यहाँ पर? ऐसे ही बात करना है तो दूर जाकर करो। बड़ी मंकीस बंदर बोल। बुरा हमें भी बहुत लग रहा है, बहुत दिनों बाद ऐसा बुरा लगा है। ये साला बजाज, बोलो बोलो। नहीं नहीं, तुम बोलो। वैसे हम समझ गए हैं तुम क्या बोलने वाले थे। क्या? वही जो हम कहने वाले थे। हाँ, एयरपोर्ट से गाड़ी लेकर भाभी को पिक कर लो। नहीं, किसी की जरूरत नहीं, सब जाओ। हेलो, बोलो। ठीक, कहाँ है? रूम में है। रूम किसके नाम से? मेरे नाम से बुक है, ऐसी गलती मैं कर ही नहीं सकता। गुड सर, ये मेडिकल रिपोर्ट है, एकदम क्लियर आई है। इतना परेशान क्यों लग रही हो? मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें यहां बुलाया, और मैं तुम्हारी फोटो देखते ही समझ गया था कि तुम ना सिर्फ ब्यूटीफुल हो, समझदार भी हो। इमोशनल भी हो ना? हाँ सर। पास आओ। सर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, गाल पे किस कर सकती हूँ, चलेगा? चलेगा। आंखें बंद कीजिए। ठीक है, आओ। कौन है? रूम सर्विस। मैंने मंगाया था पपीता। ओह, आई सी। बहुत बड़ी पिक्चर बनाएंगे तुम्हारे साथ, बिग वन। तुम लोग, अरे सर, कौन है ये लोग?
आप कौन है जी? मैं इन्हें नहीं जानती, काम मांगने आई थी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। गलत टाइम पे आ गई हो, अब जा नहीं पाओगी। चलो बजाज उठो, चलो। तुम लोग उस रात का गुस्सा निकाल रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? औकात क्या है तुम लोगों की? अब तुम्हारे नाम के आगे से ची निकाल दिया है, इसलिए ध्यान से सुनो बजाज, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारा अपमान हो, वरना अभी हम तुम्हें सिर्फ किडनैप करने आए हैं, कहीं बोर आ गए तो पहले मार मार के बदन को दर्द देंगे, फिर मार देंगे। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, रूठा तो रावण। हेलो मिस्टर बजाज, हाउ आर यू? हेलो हेलो, चलिए चलिए थोड़ा तेज चलिए, आप जरा फास्ट चलिए, ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की कोई फिक्र ही नहीं है आपको। आइए आइए आइए, चलिए। बदतमीज़ नहीं, बैठो। देखिए मुझे जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब तो ये ऑपरेशन फिनिश हो जाने के बाद ही डिसाइड करेंगे क्या करना है आपके साथ। आराम से बैठिए, ऐसे वैसे नहीं है, औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों को जरा भी एहसास है इसके बाद क्या होगा? बदतमीजी करना छोड़ दोगे और क्या होगा? ये ऑपरेशन जो है पर्सनल है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है, समझ रहे हो? फोन लगाओ। क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या? ये तो क्रिकेट टीम स्पॉन्सर करते हैं, सारा खेल मुंह से खेलते हैं, आप कहाँ इनके चक्कर में, बेकार। सुनो दिवाकर, रेजिडेंसी में म्यूजियम हाउस के पीछे जो खंडर है ना ट्रेजरी हाउस का, अरे सुनो इडियट, जो मैं कह रहा हूं, अब से 2 घंटे बाद सूट केस में 5 करोड़ रुपए डालकर वहां रखाओ। अरे दान देना है किसी को। फोन काट। ये जो सेकंड भर की चुप्पी थी तुम्हारी, कहीं तुम्हारी जान ना ले ले आज। हम जा रहे हैं पैसे लेने। अरे नहीं नहीं यार, हम जाएंगे। अभी एक कंपटीशन क्या लगाए रखते हो हमेशा? ठीक है जाओ, तुम ही जाओ, जाओ। हाँ हाँ हम ही जाएंगे, लड़की मत झांप लेना। इल्जाम लगा छोड़। अरे यार अरे शौकत जी। हुजूर नर्सरी से खाद उठा लेना और कुछ गुलाब के नए पौधे लेके आओ। हम कैसर बाग में हैं, सामने तो अजी साहब का बंगला है। क्या करें, बड़ी बुरी आदत है हमारी, नर के दरवाजे के सामने खड़े होकर पाप करते हैं। हेलो मैडम, मजा आने लगा है क्या? सॉरी वो अपने आप तेज हो गया। आप लेडीज ये सीरियल बहुत देखते हैं, सब एक जैसी तो हैं। आप क्या देखते हैं? हम न्यूज देखते हैं, जानवरों का चैनल, नेशनल जियोग्राफिक। सब न्यूज चैनल भी तो एक जैसे होते हैं। जानवर एक जैसे नहीं होते, आपको पता है कौवा कभी बेवफाई नहीं करता। उसका जिंदगी भर एक ही पार्टनर होता है, मतलब कौवों में इन जैसे लोग नहीं होते। हाँ हाँ भगवान कसम। गाड़ी निकालो। आप बंगाली हैं? जी। हमें बंगाली मिठाई बहुत पसंद है। अच्छा, मैं बना लेती हूँ। अच्छा? जी। एक वो होती है रसगुल्ला, क्या कहते हैं, नहीं वो छोटी छोटी सौंदेश, हाँ, चमचम, मलाई चमचम, लेडी किन्नी, मिष्टी दही। वाह, आप भी तो हैं। जी। Oh.
गाड़ी से उतरते देखा किसी को? नहीं। रूबी टेलर रायबरेली, रायबरेली का गैंग है, रायबरेली चलो। गलत, सब गलत लगता है। पतझड़ में पीले पत्तों का झड़ना, सावन में मधोश फूलों का खिलना, काली बदरी से टप टप नीर का गिरना। तुम नहीं होते हो तो चांद की चांदनी भी अंग जलाती है और रोशनी अंधेरा बन के काटने। एक मिनट, रियली सॉरी। पहली बार हुआ ऐसा, बहुत इमोशनल कर दिया। यहां क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस यूं बेकार। जिस आदमी से तुमने बात की थी बजाज, वो था बहुत समझदार। पूरा है ना? जी भैया। तुम्हारी जरा सी चुप्पी से समझ गया था कि पहुंचे हुए थे इसके आदमी। फिर क्या, गेम खेली? अच्छा हुआ तुम नहीं है। क्यों? तुम आते तो गोली चला देते, मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हाँ अच्छा हुआ हम नहीं आए। गोली चला दी तुमने? हाँ चला तो थी, पर लगी नहीं अभी तक। कैसे पता? अरे क्योंकि हमारी गोली जान नहीं लेती बस, दूसरों के अंदर जानवर जगा देती है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हीरा बैग उठाओ निकलो। तुम दोनों यहीं छोड़े जा रहे हैं। तुम छोड़े जा रहे? अरे क्यों छोड़े जा रहे? पैसे दे दिए अब तो हमने। ए आवाज नीचे। अरे पैसे दे दिए अब हमने। चुप। एक घंटे बाद यहां से निकलना, हमारा आदमी दरवाजे पर निशाना लगाए बैठा है। एक घंटे से पहले निकले तो गोली चल जाएगी। चलें? एक मिनट। अबे मजनू, घर चली जाना, तुम्हारा मोबाइल हमारे पास है, नया खरीद लेना। गुड बाय। सुनिए। कहिए। क्या मैं आप दोनों के साथ आ सकती हूँ? शहर में किसी को जानते भी नहीं। अरे हमारे साथ कहाँ रहिएगा? रहने की बात तो की ही नहीं उसने। और अगर रहूं तो? लग गई गोली। हमारे साथ रहने में खतरा है, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। कोई बात नहीं, मजा आएगा। आप हमारे लिए खतरा बन सकती हैं, भरोसा नहीं कर सकते आप पे। लड़की होकर मैं आप दोनों पर भरोसा कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते? बहुत डर के जीते हैं आप। अरे हम तमीज से बात करें, चढ़े जा रही हो यार। रुत ले चलते हैं इसे, और अगर इसने कोई भी गड़बड़ की तो सबसे पहले गोली मैं मारूंगा। अबे हटो यार। नमस्ते भैया। नमस्ते। और सब ठीक? हाँ चलो चलो यार। तो ये है अपना घर। सुनो तुम लोग जाके आराम करो, थके हुए। पहली बार कोई लड़की आई है यहाँ पे, मतलब आज तक जो भी किया है घर के बाहर ही किया है। मतलब? हेलो, हम जा रहे हैं ऊपर सोने, इनके सोने का इंतजाम तो आप ही करेंगे। अरे नहीं नहीं यार, ये तो यहाँ नीचे सोएगी, हमें क्या मतलब, हम तो वही अपना ऊपर। हमारे यहाँ पूरी को लुची कहते हैं और सब्जी में पड़ता है पांच फोरों, इसलिए टेस्ट अलग आ रहा है। ये तो सब्जी लगी नहीं रही है, पता नहीं क्या है। धंधा बदल लेते हैं, हलवाई की दुकान खोल लेते हैं, क्या कहते हो? चलो उठो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुम यहाँ रह नहीं सकती बस। चलो हाथ छाड़ो, क्या कर?
रहे हो राजा? क्या हो गया बे? अबे तुझे पसंद नहीं है ना ये, नहीं रहेगी यहाँ। अरे भाई सॉरी। अरे नई गलती हमारी है बॉस, इसे नहीं लाना चाहिए था यहाँ। क्यों, अच्छी तो है, तुझे पसंद भी करती है। तुझे पसंद नहीं है ना, गाड़ी खोल बे, चल। भाई साहब, हेलो, सुनिए, आपका दिल तो टप से लग गया इनके साथ, हैं? हमने सोचा था लड़की देखोगे, हमें दिखाओगे, हम अप्रूव करेंगे, वो प्रोसेस तो हुआ नहीं ना, अब थोड़ा गुस्सा भी ना करें, हैं? साला बुड्ढी सास जैसे बात कर रहा है। अरे सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? सुनिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी तो हम आपको उत्तर प्रदेश का खाना खिलाएंगे, बैंगन और आलू का चोखा। नहीं खाना, सोचा था आप लोग अच्छे दोस्त बनेंगे। अरे है ना अच्छे दोस्त। अबे राजा चलो माफी मांगो, और सुनो कायदे से, मुझे आई लव यू, बस यही अपनी माफी है, यही अपनी गुजारिश लव की। दादा का फोन है। क्या सुन रहे हैं हम? तुम दोनों ने बजाज को किडनैप कर लिया था? तो आपको ये नहीं बताया कि किस बदतमीजी से बात की थी? अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। उन्हें अपने बिजनेस के लिए सिक्योरिटी चाहिए थी ना, बस कह दीजिए अपने काबिलियत का एक नमूना था। मगर एक बात याद रखना, दूध देती गाय अगर सींग भी मारे तो उसको डरा देते हैं, मारते नहीं। ये तो मना कर रही है। हमें कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? दिल्ली। अभी दिल्ली में इतने लोग पहचानते हैं, कमरे में घुस के थोड़ा ना बैठे रहेंगे। मुंबई चले? हाँ मुंबई ठीक है, वहां कोई हमें जानता भी नहीं। मैं आपको घुमाऊंगी मुंबई। इनको? मैं तुमको मुंबई। आई लव यू टू। ऑल क्रू टू बी स्टेशन फॉर टेक ऑफ। छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस है? हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको। ठीक है, अगर कुछ हो गया ना, ये हमारा सर एडजॉइनिंग रूम है जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया था। हाँ। और ये हमारा बेडरूम है। देखती हूँ। आओ मेरे शशि कपूर। भैया हमारा कमरा अलग से करवाया है ना? अरे पहला काम वही किया। हाँ ये हुई ना बात। हैव अ नाइस डे सर। कुछ खाना वाना तोड़ा जाए? खाना तोड़ा जाए? अरे तुमको तो होटल खरीद लें तुम्हारे लिए। कुछ भी। एनीथिंग एल्स सर? नहीं यार, कहाँ के रहने वाले हो? यही से सर, विनोद मोहिते, महाराष्ट्र। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? हाँ सर। झांसी की रानी? यस सर। वो भी मराठी थी? पता नहीं है सर। हाँ हाँ, बनारस में पैदा हुई थी। हाँ? बनारस यूपी? पता नहीं था सर। बनारस में 300-400 साल से बहुत मराठी रहते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं हम सब। ये रखो। नहीं सर। अरे रख लो। नहीं सर, थैंक यू। यस सर, मिश्रा जी से मिलना है। राजा, ये बंदूकों से खेलते रहोगे कि कहीं घूमने चले? अबे क्या है इस शहर के अंदर? हाँ यार पहली बार आया पर सब देखा हुआ लग रहा है। ये देखा, देखो फिल्म की शूटिंग हो रही है। कहाँ? कौन सी? कहाँ कहाँ? अरे देखो ना वहाँ।
अबे हाँ बे, अरे इमरान, अबे इमरान, अबे हाशमी, इमरान गुड नाइट, गुड नाइट, चल कटो अब, ठीक है फिर, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे भैया यहीं सो क्या है, अभी क्या सोचेगी वो यार, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है यार? देखो यार, जब समझ गया आगे बोलो। मुंह से किसी और लड़की का नाम निकल जाता है। कई बार मामला एकदम नोक पे था, फिर वो लड़की उठ के गुस्से में चली गई। ओह यार, उनके जाने का कोई अफसोस नहीं है मुझे, ये चली गई तो बहुत बुरा लगेगा। सब आंखें बंद करने से होता है। हाँ, आंखें खोल के किया करो, उसी की तरफ देखो बस, किसी और की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। क्या बात कर रहा है यार? अब जाओ और सुनो। हाँ, आंखें खोल के करना जनाब। समीर भैया, आपसे बाहर कोई मिलने आया। अद्भुत, अद्भुत आनंद मिलता है जब सारा दिन ईश्वर में ध्यान रहता है, संसार की कोनो बुराइयां नजर नहीं आती। आपको पहचानने में भी थोड़ा टाइम लगा। बजाज साहब कैसे हैं? जैसे पैदा हुए थे वैसे ही हैं आज तक आदमी। वैसे तुम्हारा ध्यान ईश्वर से भटकता है कभी कभी, और जब भटकता है तो सीधे कत्ल करने की भावना जागती है तुम्हारे अंदर। ये राजा और रुद्र तुम्हारा ध्यान बहुत भटका रहे हैं आजकल। पकड़ लिया बजाज भैया ने हमको, पकड़ लिया, वेरी गुड। अब आप क्या कीजिएगा हमारा है, लूटिएगा हमको? देखिए, हम जान रहे हैं कि आपका कोनो काम पड़ गया, तभी आप हमको खोजते हुए यहाँ पहुंचे हैं, ठीक बोले ना? अबे चले हुए कारतूस हो तुम सुमेर यादव, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। राजा और रुद्र मार देंगे तुम्हें एक दिन, और वो दिन कौन सा होगा ये हम तय करेंगे। मारवाड़ी हैं हम, फटे हुए नोट को चलाना जानते हैं। मर्दों वाले कुछ लक्षण बाकी हैं या सब खत्म हो गए? बदन छू के देखिए, टान टान करेगा। काम क्या करना है बताइए। अपने सब आदमियों को इकट्ठा करो और भगवान जी को बोलो बाय बाय। अरे महाराज, हम भी तो यही चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, हम भी सपोर्ट करेंगे। नमस्ते, नमस्ते। अरे कैसे हो इंजीनियर साहब? आपका आशीर्वाद है भैया। अरे भाई, शुक्ला जी से कह के प्रमोशन का इंतजाम कराओ दामाद जी का, 2 साल हो गए हैं ड्यू हुए। नाम बदल लो, प्रमोशन मिल जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं सबके सब? रुद्र भैया ने कहा था कि अबे। हाँ बोल। सारे लड़के यहाँ क्यों भेज दिए? साले दिव्या की सगाई है, तुझे सबको इनवाइट करना था, खुशी का मौका है, बार बार नहीं आता है। मैं भी निकल रहा हूँ बस मिताली को लेके। मिताली चलो, सुदर्शन गाड़ी निकल। ना, ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। नो, देखो, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। लुकिंग वेरी हैंडसम भाई साहब, थोड़ा हिंदी में वार्तालाप हो तो अच्छा है, थोड़ी देशभक्ति बाकी है अभी अंदर। अरे इनसे परिचय है कि नहीं?
अरे वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? अरे जिसे तुम हमारे पास से ले आए थे, जो उड़ती फिरती है तितली की तरह तुम दोनों के साथ में। अरे ढूंढो हमारी हीरोइन को। अरे बेटा आओ खाना खाने आओ। बड़ी किताबें धरे ये कहा है? रख दो, तुम्हारे मतलब की नहीं। होते दिख ही रहा हम पढ़ते हैं धार्मिक किताबें। साय में धूप का मतलब हुआ इसका है? लड़की वड़की तो नहीं मिली साहब, लेकिन ही मोबाइल जरूर मिला है। लड़की यही है, लड़की यही है, ढूंढो ढूंढो। एक मिनट। आपको पैसे चाहिए ना? हम देंगे पैसे, पर आप मिताली को छोड़ दीजिए। पैसे तो हम ले ही लेंगे, बट टुडे आई हैव कम हियर ओनली फॉर प्रेशर। पहले उस बंगाली मिठाई को खाएंगे, फिर बेटा तुम्हें विदाई देंगे, उसके बाद तुम्हारा वो जोड़ीदार वो ब्राह्मण रूठा तो रावण उसे निपटाएंगे। अरे महाराज निपटाइए इनको। हमें माफ कर दो बजाज साहब, वो राजा है ना, ये सब उसी का प्लान था। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, जितना सम्मान हम भगत सिंह का करते हैं ना उतना हम दिखाते हैं आपको। आप देखो, हाँ हम दिखाते हैं, आप देखना सर। आप बेटा खाना आप आ जाए। बोलो। राजा निकल गया है। समय रुको, अरे राजा आ रहा है। अरे सर आज निपटाते हैं सबको। अरे एक तो संभल नहीं रहा तुमसे, दोनों मिल गए तो जुगलबंदी बहुत भारी पड़ेगी। अरे साला अकेला है, मार दे। अकेला ही भारी है तुम पे। चलो आप हमारी बात नहीं समझ रहे, खुद ना मर जाओ। सुनिए चलो चलो। क्या हुआ? जल्दी निपटा। समय चल, जल्दी चल। क्या रे जी मारेगा? मार मार। सुन रे हम है ना, हम घर में घुस कर मारते हैं। जल्दी कर। तो मार। जल्दी मारना। दिव्या किससे गई हो? अरे वो छोड़ यार। हीरा फोन लगा, एम्बुलेंस बुला। हम जा रहे हैं दोस्त, बहुत मजा है जिंदगी जीने में। क्या अरे ऐसे कैसे जाएगा यार तू? रुद्र भैया अमर रहे।
हम राजा मिश्रा, पिता का नाम रामशरण मिश्रा, गोत्र शंदिल्या, जिला आजमगढ़, पूरे होश आवाज में कसम खाकर कहते हैं कि कल सूरज ढलने से पहले अगर हमने तुम्हारी हत्या का बदला नहीं लिया तो खुद चिता से जाकर आत्मदाह कर लेंगे। तुम सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो, माहौल ठीक नहीं है। और भैया आप? हम माहौल ठीक करेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेले? क्या सोचा है? बजाज को निपटाना है और क्या। तुम्हारा गुस्सा जायज है लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? ये व्यक्तिगत मामला है दादा, पर्सनल, इसमें कोई राजनीति नहीं है। बजाज के साथ एक और आदमी था रुद्र कुमार ने, हमें उसकी भी तलाश है। बजाज के खिलाफ जाओगे तो सारा सिस्टम खिलाफ हो जाएगा तुम्हारे। सारा सिस्टम या आप? हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो फिर सिस्टम से कहिए जरा डर के रहे हमसे, दिमाग खराब हो गया हमारा, गला घोट देंगे सिस्टम का। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, अब जो होगा ना बहुत बड़ा होगा। अब राजा का नंबर है बस। गाड़ी हटा रहे। अरे निपटाएंगे साले को अच्छी तरह से। अरे ये क्या हो रहा शमशेर? ए इडियट, क्या कौन है? कैसा है बजाज? भैया पैसे दो ना। हट पीछे, हट। सारे शहर ने तुझे देख लिया, तू बच नहीं सकेगा। बचना कौन चाहता है? राजा, देख, देख राजा, तू बच नहीं। राजा नहीं, राजा नहीं। भैया, ये लीजिए। पिस्तौल गायब हो जानी चाहिए। जी भैया, हो जाएगी। अपने अंदर के कलाकार को मार के बहुत बड़ी गलती की हो, टच में रहना। जी भैया। देश के कुबेर कहे जाने वाले उद्योगपति श्री जतिन बजाज की आज हजरतगंज इलाके में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना ने राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी है। सवाल यह है कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लखनऊ की गलियां आखिर हत्यारे के बारे में बोलने से क्यों कतरा रही है? मिताली, तुमसे कहा था ना हमने, कलकत्ता चली जाओ अपने घर। घर जाना होता तो बहुत पहले चली जाती।
क्या है ये? हमारी है, आज से हम भी। पगला गई हो क्या? अगर गुस्सा नापने की मशीन होती तो हम दोनों का टेम्परेचर एक होता। हमें अपने आप से दूर मत करो राजा। रुद्र भैया की जगह तो नहीं ले सकते, पर जो तुम कहोगे, जब तुम कहोगे, करके दिखाएंगे। हम तुम्हें अरेस्ट करने नहीं, समझाने आए। बजाज को तुमने मार दिया, सारे बाजार। अब लोग तुमसे इतना डरते हैं कि कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। डरते नहीं हैं, इज्जत करते हैं। अब जो भी करते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। गायब हो जाए मतलब भाग जाए? गायब हो जाओगे तो लगेगा कि तुम शांत हो गए हो, वरना बजाज के चाहने वाले बहुत हैं और वो बहुत ताव में हैं। आप हमें समझाने आए या धमकाने आए? क्योंकि एक बात बता दें आईजी साहब, धमकी से हम डरते नहीं। ब्राह्मण है इसलिए समझे हुए पैदा हुए हैं। बजाज के चाहने वालों से कह दीजिए कि जरा शोक में रहें, ज्यादा ताव ना दिखाएं, वरना सबके घर 13वीं और 14वीं का इनविटेशन कार्ड छपेगा। तुम्हारे चले जाने से पुलिस की भी थोड़ी इज्जत बच जाएगी। कहीं नहीं जाएंगे हम। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो अरेस्ट करके दिखाइए हमें, वरना बुलाइए किसी निशानची को जिसके पास हम पे बंदूक तानने का जिगरा हो। ठीक है, हमको राम बाबूजी ने भेजा था, कह देंगे उनको कि तुम होश खो बैठे हो। उनसे कहिए कि हम अपना भाई खो बैठे हैं और हमारे यहां बदला लेने की परंपरा है। कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है कि अगली डील में पुराने नुकसान को एडजस्ट कर लेंगे। जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी और अगली डील तक जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही कल्चर है हमारा। चलो मैं बात करता हूँ, जीते रहो बेटा। दरअसल हम तुम्हें यहाँ ये बताने आए हैं कि हम सब ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम। बेटा, तुम्हारे डर से कोई सर उठाकर हमसे बात नहीं करता, पर सब इसी फिराक में है कि कब तुम्हें कुछ, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हम, तुम दोनों ने मिलकर बहुत से दुश्मन बना लिए हैं अपने। वो हमें जीने नहीं देंगे। अगर हमारी सलामती चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए चले जाओ यहां से। देखिए चाचा जी, देखो बेटे, अपने बारे में ना सही पर रुद्र के परिवार के बारे में तो सोचो, ये भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे साथ चलो कलकत्ता। তুমি হিরোইন হবে বলে বোম্বে চলে গেলে, কি হলো? আরে যাও যাও, আমরা এখান দিয়ে যাব। যাও যাও। না না, সম্ভব না। অ্যাক্টিং তাও ঠিক আছে, উই এনকারেজ ট্যালেন্ট লাইক এনি আদার বেঙ্গলি ফ্যামিলিজ, বাট ম্যারেজ আউটসাইড কমিউনিটি ইম্পসিবল। মাফ কিজিয়ে মা, ঠিক আছে। আপ করতে ক্যা হ্যায়? জি, মে ব্যাংক মে কাম করতা হু, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। স্যালারি কত? অনেক টাকা। স্যালারি জানতে চাইছো? ব্যাড ম্যানার্স। কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়িতে একটা স্ট্রেঞ্জার এনে তুললে, এটা ব্যাড ম্যানার্স নয়? কাকা, তুমি তো কিছু বলো, তুমি তো কমিউনিস্ট। আশ্চর্য ব্যাপার, এতে কমিউনিস্ট আছে কোথা থেকে? কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট, পরিবার পরিবার। এই হবে আমাদের জামাই, ওর মুখ দেখে বুঝে যাচ্ছে বাঙালি নয় তো কি হয়েছে। এর সঙ্গে আমার নাতনির বিয়ে হবে। মা, এ কি করছো? কি আমার নাত জামাই রে চাঁদ। আরে হম ভি তো বহুত ইজ্জত করতে হ্যাঁ ইনকি, ইসলিয়ে তো চুপ হ্যাঁ। আব আপ সব রাম বাবুজি কো সমঝায়ে কি রাজা মিশ্রা কে উপর সে আপনা হাত হটা লেন। বাজাজ কে মরনে কে বাদ পুরি বিজনেস কমিউনিটি মে খলবলি মচ গই হ্যায়। দেখিয়ে, বাজাজ আপকো ভি সাপোর্ট করতা থা অর হমে ভি। अब उसके मरने के बाद कैसे इलेक्शन लड़ेंगे हम और कैसे इलेक्शन लड़ेंगे आप? राजा के ऊपर सिर्फ हमारा हाथ ही नहीं, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों और मुसलमानों का हाथ भी है।
नौजवान उसे अपना हीरो मानते हैं। अब कुछ फैसले नफा और नुकसान के दायरे से बाहर भी होते हैं बलवान यादव जी। ठीक है, आपको हमारी बात हल्की लग रही है तो आप श्रीवास्तव से बात कर लीजिए, उसी को पता है कि बजाज का सारा पैसा कहाँ है। आप बात कीजिए, लाइन चालू करो बेटा, जरा खोलो इसे, खोलो। नमस्कार श्रीवास्तव साहब। ये हमारा आखिरी नमस्कार होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने राजा का कुछ नहीं किया तो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी किसी को इलेक्शन में, फिर कुश्ती लड़के इलेक्शन डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए प्लीज, हमसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि देश के हर बड़े हाथी की कुंडली हमारे पास है, और जिस दिन हमने कुंडलियां खोल दी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा इस देश में। राजा का हमें भी नहीं पता वो कहाँ है, जैसे ही पता चलेगा हम आपके पास भेज देंगे। वो माफी मांगेगा आपसे? माफी? स्कूल वाली शरारत नहीं हुई है राम बाबू जी, कुबेर की हत्या हुई है। कुबेर समझते हैं ना आप, धन का भगवान बजाज। आप लोग आपस में मिलकर तय कर लीजिए राजा से कैसे निपटना है। हम अखबार में न्यूज पढ़ के इलेक्शन फंड आप लोगों का रिलीज कर देंगे। गुड नाइट। अब इस उम्र में धंधा तो हम बदल नहीं सकते राम बाबू जी, अब राजधर्म का पालन करिए। चलो गाड़ी निकालो। आईजी साहब जी, रिटायरमेंट के बाद राजनीति में उतरिए ना, राजा मिश्रा जैसे बाहुबली को खत्म करने का फायदा उठाइए। देखिए हम सबकी भलाई इसी में है, ढूंढिए किसी दबंग को जो चुपचाप राजा को साइलेंट कर दे। कब लेके आ रहे हो भाभी को घर? अगले हफ्ते जा रहे हैं हम ससुराल, फिर देखेंगे जैसी तबीयत होगी उनकी। हमारी 2 महीने बाद इटावा से छुट्टी होने वाली है, जा रहे हैं हम डेप्यूटेशन पे लंदन। जाने से पहले मुंह मीठा करवा देना दर्शन सिंह जी। आगे कितना है भाई? जय भवानी। जय भवानी। देख लिया कितनी मुश्किल में रहते हैं हम, थोड़ी मुश्किल तुमको भी हुई महसूस किया ना? हाँ महसूस किया। क्या शर्तें हैं तुम्हारी सरेंडर करने की? एक तो हमसे तुम कह के बातें कर रहे हो और ऊपर से रौब झाड़ रहे हो। पता है ना ये चंबल है, यहाँ पुलिस वाले सबसे जल्दी गायब होते हैं। अरे आप तो बुरा मान गए, बताइए क्या शर्तें हैं आपकी? एक तो हम आप पूरा को पूरा गैंग एक साथ जेल में रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी, हमारे जो मोड़ा मोड़ी गांव में है, बिना फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। और कुछ? और सरेंडर करवे से एक दिन पहले जहां विपाशा बसु को नाच होगो। अरे विपाशा बसु यार, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, थोड़ा मजा भी ना लेका। सर सरकार आपकी सारी शर्तें मानेगी, पर अगर विपाशा नहीं मानी तो उस पर जोर नहीं किया जा सकता ना सर। कोशिश करके देखो, कलेक्टर ना बनो। कोशिश करेंगे सर, आप 2 दिन में फोन करिएगा। चल दर्शन। ए कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा और विपाशा यहां नाचेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद फूलमाला अगरबत्ती और जाके नाप की अर्थी का इंतजाम कर लेना। सर सर नहीं सर, मैं नहीं रह सकता सर यहाँ, मेरी औरत की आंख पे पट्टी। सर कहाँ जा रहे? आऊंगा वापस। सर मेरे को छोड़ मत जाना सर। सर हमारे पास आ। सर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरी औरत की डिलीवरी होने वाली है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी तो ना रही ना डिलीवरी, चिंता ना करो, 1 हफ्ता से पहले नहीं मारेंगे तुम्हें। थोड़ा हल्का होने भाई।
इनमें से किसी एक को बिपाशा समझ के जेल में टाइम पास कर लेना। चलो चल। बहुत गाना गवाया तूने। बागियों के नाम पे कलंक हो तुम। पहले होते थे बागी माधो सिंह, मलखान सिंह, पान सिंह। एक बात बताइए अरुण सिंह जी, बिल्कुल अकेले? आइए दर्शन जी, आइए आइए। तो बताइए अरुण सिंह जी, बिल्कुल अकेले एक ही दिन में इतने बड़े गैंग को कैसे खत्म किया आपने? क्योंकि हम इमोशन से लड़ते हैं, ताकत से नहीं। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, कितना ताकतवर है, मगर कभी जीत पाया वो? क्योंकि दूसरी तरफ इमोशन है। वो सब तो ठीक है अरुण सिंह जी, लेकिन आप संभालिए आते हैं अभी। क्या आप खुद थे वहां पर? जी हाँ, मैं मौजूद था वहां। ऑपरेशन आदेश दीजिए सर। तुम्हारी जरूरत आ गई है यहाँ लखनऊ में, बहुत जरूरी काम है। कल ही आ जाते हैं सर। एक दो दिन के लिए नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर कराना पड़ेगा। ऑर्डर पास करवा दिया मैंने। इतने हक से आपने ऑर्डर पास करवा दिया तो जल्द आ जाता हूँ। एक गुड न्यूज है सर, 2 महीने के बाद मैं लंदन डेप्यूटेशन पे जा रहा हूँ। सर 2 मिनट। अरे मुझे यकीन है उससे पहले तुम काम खत्म कर दोगे। सर टाइम निकला जा रहा है, एक रिपोर्ट फाइल करनी है। एक मिनट दीजिएगा सर। सर यूथ के लिए क्या संदेश है आपका? देखो हमारे अंदर अब इमोशन जाग रहा है, एक खींच के देंगे ना तो जिंदगी भर न्यूज बन जाओगे तुम। दे यूथ के नाम पे संदेश, दे यूथ के नाम पे संदेश। गलती हो। चल भाग। एक रावण पैदा हो गया है जिसे तुम जैसा दिलेर ठाकुर ही मार सकता है। कौन? राजा मिश्रा। तो फिर घर वालों से मिल के आता हूँ। घर? जी इलाहाबाद। क्यों? कहना सर, जब गलती करना जरूरी हो जाए तो माफी पहले से ही मांग लेनी चाहिए। এটা খুব চালাক, মাকে হাত করে নিয়েছে, ভীষণ ধূর্ত। এনাফ বাবা, তুমি রাজার নামে আর বাজে কথা বলো না। লড়কি থোড়া ধূর্ত তো আচ্ছে লাগতে হয়, ইস জামানে কে লিয়ে আচ্ছা হয়, নিজেকে দেখো না। সো আই এম আনফিট ফর দিস ওয়ার্ল্ড বিকজ আই এম অনেস্ট ম্যান। কি বলছো তুমি নিজেই জানো, ভেবে চিন্তে কথা বলো। লাগতা হ্যায় আপ লোগ আবি তক হমে নাপ নি পায়ে, আচ্ছে হ্যায় বুরে হ্যায়। মেরি মিতালি কি কিসমত উতনি খারাপ নেহি হ্যায়। हम कुछ नहीं जानते, आपने पैसे लिए थे, पिछले 15 तारीख को पैसे वापस करने की बात थी। 20 दिन से ऊपर हो गए, आपने पैसे नहीं लौटाए। दाड़िये नाथे के चाजल खबरेर व्यवस्था करूं। अगर आज पैसा नहीं मिला तो अपना बीबी रो गोइनार बक्सोटा आछे ना, ओटा हमी लिए चले जाबे। सुनिए लीजिए, दीजिए दिए दिन। কেন এত কথা বলছো? দেখছো তো আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি, তুমি কোনো কথা বলবে? বেটি ওয়াপস আ গই হ্যায় না, উসি কা মেহমান হোগা। কে বলা, কে বলা তুম? মেরি লড়কি কে বারে মে কে বলা তুম? মানে বোলা বেটি বহুত সুন্দর হ্যায় আপকি, ওয়াপস আ গই হ্যায়, तो फिर आगे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे बोलून प्रथम घुषिटा के मेरे छिलो? ऐ जे सर, ए मेरे छे। ए ए छोकरा, ए ए इनी तुम्हार के? क्या बोला? ओए, तुम बंगाली नहीं है? नहीं मैं बंगाली नहीं हूँ,
पर पुलिस वालों की जात पूरे भारत वर्ष में एक जैसी है। इनसे कहिए मेरे साथ बाहर आए। सर घूस देते चाहे सर, ब्राइब 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 नहीं चलेगा, ब्राइब नहीं चलेगा। सर मान जाओ प्लीज। ये बंगाल है, नो करप्शन। भाई इंडिया इज ए कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स। ये हिंदुत्व हिंदुत्व का जो ढोंग करते हैं ना ये अपोजिशन। प्रणाम दादा। अरे भाई कहाँ हो तुम? किसी से कलकत्ता बड़ा बाजार थाने फोन करवाइए। कलकत्ता? खामखा पकड़ लिया सरों ने। कब आ रहे हो तुम? बहुत जल्द। फिर भी दादा जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चली जाएगा। हेलो सर। ओके सर, ओके ओके। अच्छा एक मिनट। अरे भैया पहले क्यों नहीं बोला? कोई बात नहीं। ए, थोड़ा कोका कोला तो पी के जाओ। नहीं ठंडा नहीं। ठीक है कुछ गर्म या चाय कॉफी? नहीं धन्यवाद। अरे भाई बिस्लेरी तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं। पचौरी पलवान को फोन लगाओ। यादव जी राजा कलकत्ता में है, वो कभी भी वापस आ सकता है। वेरी गुड भाई जी साहब। जी सर सावधान हो जाइए, राजा कभी भी लखनऊ आ सकता है। जी सुमेर यादव जी, सुमेर यादव जी, सुमेर यादव जी। प्रणाम करते हैं सभी को। इससे पहले कि आप लोग अपने सवालों की झड़ी लगाएं, हम खुद ही कहना चाहते हैं, हम खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि बाहर हमारी जान को खतरा है। सीएमओ की हत्या में आपके खिलाफ चश्मदीद गवाह है सुमेर यादव जी। अरे महापुरुषों के बारे में बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, इतिहास लिखने आए, खुद ही सरेंडर कर रहे हैं, सुना नहीं? लेके आओ। न्यायालय यही है राजा। रुका कौन है? यही आवाज सुनी थी मैंने उस दिन बजाज के साथ, यही आया था। जान लीजिए आप, अब मेंटल तो है नहीं। अरे धार्मिक सुमेर यादव गोली इसी ने चलाई होगी, बजाज ने तो सिर्फ इशारा किया होगा। मैं वापस जा रहा हूं मिताली, ये सारी खुशियां बेकार हैं क्योंकि मेरे दोस्त का कातिल कहीं किसी कोने में छुपकर मुस्कुरा रहा है। पर मैं वादा करता हूं मैं उस सुमेर यादव से सिर्फ एक बार मिलूंगा और तुम्हें बहुत जल्दी अपने पास बुलाऊंगा, मेरा इंतजार करना। हाँ सब कुशल मंगल? पहुंच गए हम लखनऊ। कहाँ रहोगे? घर चलेंगे? नहीं घर नहीं खतरा है, जब तक सुमेर यादव को नहीं मारते किसी छोटे मोटे बवाल में नहीं फंसना चाहते। मजबूत नहीं है बे, एक फायर में हंस देगा। हेलो भैया जी प्रणाम। ये घर आपका है भैया, जैसे रहना रहिए, नीचे हमारा परिवार, यहाँ ऊपर आपका दरबार, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। मंदिर जाते हो? जी हर मंगलवार। जब तक हम हैं हर दिन मंगलवार है, घर से मंदिर, मंदिर से घर, बस और कोई काम नहीं। जी सुनो, तुम्हारी किसी टुच्ची हरकत की वजह से हम फंसना नहीं चाहते, समझे? ठीक है। हम एक ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, खत्म होते ही चले जाएंगे, तुम्हारा एहसान भूलेंगे नहीं कभी। राजा के मरने के बाद अगर लड़के सड़क पे उतरते हैं या फिर गांव वाले नाराज होते हैं तो उन्हें आप संभालेंगे, बदले में हम आपके 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने 6 के 6 कमजोर नेता खड़े करेंगे। राजा के मरने के बाद जनता हमारे कहने से चुप नहीं बैठेगी। पंडित जी सुनिए आप, पंडित जी राजनीति और वैश्यावृत्ति दोनों ही बहुत प्राचीन पेशे हैं यादव जी, और दोनों का काम सावधानी से शांति बनाए रखना है। जिस तीरंदाज को आप सब राजा को खत्म करने के लिए बुला रहे हैं ना, उसे भी शहीद होना पड़ेगा बाद में। अरे राजा की फाइल पढ़ रहे या सविता भाभी के किस्से? ये राजा और रुद्र के किस्से छपने चाहिए सर।
बहुत रंगीन इतिहास है इन दोनों का। पर एक बात है, इतने कांड ये बिना किसी के सपोर्ट के कर नहीं सकते हैं। किसका हाथ है राजा के ऊपर? राम बाबू शुक्ला सीनियर मंत्री हैं। सर अगर आप चाहते हैं कि राजा को अंदर किया जाए या फिर खत्म किया जाए तो आज से यहां के सबसे सीनियर हम ही हैं। आप लोगों ने जो भी तय किया वो इलेक्शन फंड तो तभी रिलीज होगा जब आप लोग राजा का काम तमाम करेंगे। सिर्फ राजा ही नहीं मरेगा, कई और सर भी कटेंगे। कटने दीजिए। एक सर आपके हिस्से का है। कौन? सुमेर यादव। आप ही की जेल में। वो बाहर आएगा तभी राजा अपने बिल से निकलेगा। आपसे भी रहा नहीं गया, मचवा देखने आ गए। मैच देखने नहीं आए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा, तुम्हें सावधान कराने आए हैं। क्यों, क्या हो गया? राजा इज इन लखनऊ। व्हाट? सुना नींद में भी गालियां देता है तुमको। हाँ तो क्या उखाड़ लेगा, जेल में है। इसी जेल में रह के गया काफी समय वो। यहाँ कौन आदमी उसका है क्या मालूम। सुमेर भैया जिंदाबाद। हाँ तो मंजन है और तेल है, चार पैकेट बिस्कुट है। अबे यही तो भेजे तुम्हारे घर वाले। रुक रुक रुक। क्या बे? अरे इसने भेजा जेल में। अरे हा? क्या कर रहे हैं सुमेर भैया, अंडर ट्रायल है। कौन भेजा? आज आया है, क्या दुश्मनी हो गई? अरे भैया आप इस जेल के सुपरस्टार हैं, फैन फॉलोइंग चल रही होगी। हाँ बड़ी फॉलोइंग हो रही है हमारी। काट काट के फेंक देंगे साला सबको, जान रहे सब खेल। लोग तुम्हारी शान पर सवाल उठा रहे हैं, बाहर लोगों को लगता है तुम डरे बैठे हो। अरे सर भूति, मीडिया मीडिया जो तस्वीर बनाता है ना उसी पे लोग वोट चढ़ाते हैं। अरे यहां से बाहर जाओ, तुम बाहर जाओगे राजा तुम्हारे पीछे आएगा। तुम मुन्ना के साथ मिलके उसको खत्म कर देना। इसीलिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ पे। अरे तुम राजा को अकेले थोड़ी मार सकते हो यार, उसके लिए तुम्हें चाहिए सुमेर यादव जैसा दिमागी और ताकतवर आदमी, समझे? हमने तुम्हारी बेल का इंतजाम कर दिया है। अरे सुमेर भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। सुमेर यादव जी, सुमेर यादव जी, क्या अब आपकी जान को बाहर कोई खतरा नहीं है? भय मुक्त हो गए, अब पाइप डायरेक्ट ऊपर से जुड़ा गया है। एक मिनट, क्या आपको इतने संगीन आरोपों से एकदम से बरी होकर बेल मिल चुकी है सर? आपको ये बताना ही पड़ेगा, मीडिया को आपको ये बताना ही पड़ेगा सर। अब हमने यहाँ पर देखा सुमेर यादव को सदर न्यायालय से बेल मिल चुकी है और वो यहाँ से जा। चलो बाबू, अरे खा लो बौरा जाओगे।
बड़ी तेज चीज है सुमेर, कांड करता है और मंदिर में जाके छुप जाता है। हाँ भाई, तीन दिन से फॉलो कर रहे हैं भैया। घाट पर दो बार तो पान खाने जाता ही है, कभी दिन में कभी रात में। रात में ही ठीक रहेगा भैया? नहीं, दिन में मारेंगे। दिन में उस इलाके में बहुत भीड़ भाड़ होती है। रुद्र का बदला हमने लिया, ये हम दिखा के जाएंगे। दिन में भीड़ होगी तो क्या हुआ, वहीं होगी भाड़ भाड़। अरे सब कुछ ये सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन जा जाए, ये देश के वचन किया। रुद्र को हमको मारना पड़ा, तुम तो जान ही रहो अपनी लाइन में, अब तुम ही ने। एक बार माफ कर दो, मां की कसम ये आसान नहीं बोलेंगे। हम तुम्हें रोज मारना चाहते हैं सुमेर यादव, दिन में तीन बार, ऐसा कोई जुगाड़ करा दो तो जो एहसान बोलो कर दें। पूरा मर गया ना बे। कौन हो बे तुम? बहुत एक्साइटेड हो। कितनी तनख्वाह देता था सुमेर यादव? पहले तो हम सरकारी तनख्वाह पे ही हैं। नाम है हमारा अरुण सिंह मुन्ना। ओह, चंबल का चौकीदार। पहचान गए ना? देखो बॉस, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब चाहो तो हमें गोली मार दो। मारेंगे नहीं, आदमी जबरदस्त हो तुम। देखो, या तो हमें जाने दो
या लड़ लो हमसे। राम बाबूजी, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा जो हम जैसे नेता होते हैं ना सर, इनका बुढ़ापा बहुत बुरा कटता है। ना परिवार साथ देता है, ना पार्टी साथ देता है, सिर्फ पैसा। सारे इंडस्ट्रीज भाग जाएंगे सर। ये राजा मिश्रा हमारे बुढ़ापे की क्या करे सर? ये निशाना तुम्हारा खराब सर। हमने पूरी कोशिश, इसीलिए बच गया। सुमेर यादव को मारने के बाद वो और पॉपुलर हो गया। राम बाबूजी, सिर्फ बस एक बार पता। अरे तो किसे पता है कहाँ है राजा? सर, पर आप बस राम बाबूजी, लास्ट टाइम एक बार पता लगा दीजिए। तुमने बुलवाए? ये हमने तो नहीं बुलाया सर। एक्सक्यूज मी। चिरकुट। प्रेस वाले, आने दीजिए। कैसे हो? आशीर्वाद है आपका। बस 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 बड़ा बस। प्रणाम दादा। राजा आपसे बात करना चाहता है। दादा। हेलो। प्रणाम दादा। कहाँ हो भाई? ये आप जानना चाहते हैं या दुनिया को बताना चाहते हैं? मतलब? मतलब कि हम शहर में वापस आ चुके हैं, ये सिर्फ आप जानते थे। सुमेर यादव को पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मिला हुआ था, और वो भी वो चंबल का चौकीदार अरुण सिंह। खैर, बदला तो हमने ले लिया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हमने ये बताने के लिए फोन किया कि हम जा रहे हैं, नई जिंदगी जिएंगे, नया पता, नया नाम, नया काम। और अगर हमें पता चला कि उस पुलिस वाले को हमारे पीछे भेजने में आपका भी हाथ है, तो हम इसी रूप में लौटेंगे और प्रलय मचा देंगे, और फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे दादा। इससे पहले कभी राजा के साथ देखा नहीं तुम्हें? हम पर नजर थोड़ा देर से पड़ी भैया की। वैसे हम ही सबसे ज्यादा वफादार चल रहे हैं आजकल। जो खुद मर मर के जी रहा हो उसकी वफादारी कर रहे हो? मतलब? मतलब बेटे, ईश्वर की भक्ति और राजनीति में वफादारी का इनाम बस यही मिलता है। इधर आओ जी। आ रही हो ना? आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना। भैया ये रहा आपका पासपोर्ट। ठीक है, रखता हूँ। जरा देखिए सही है या गलत। हमें क्या मालूम क्या सही है क्या गलत, अब जो हो रहा है वही सही है। तुम सब लोग अपने अपने गांव निकल जाओ। अच्छा साथ दिया यार। अरे भैया। और तुम कलाकार, तुमने तो दिल जीत लिया यार। शर्मिंदा कर रहे हैं भैया।
आपकी पिस्तौल? अरे हम कहां ले जाएंगे इसे? तुम्हारी कहानी हमसे अच्छी और कोई सुना नहीं पाएगा राजा। दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, जब दिल्ली एयरपोर्ट से तुम लौट रहे होगे तो हमें फोन करना, हम तुम्हें रिसीव करने आएंगे। क्या हुआ सर? सरकार ने तुम्हें जमीन अलॉट कर दी है। अरे सर, आप भी ना। मैं तुम्हें सीधा एयरपोर्ट से जमीन दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है सर, जरूर। हाँ सर, दो दिन के बाद मैं मुन्ना को एयरपोर्ट से जमीन दिखाने ले जा रहा हूँ। बहुत तेज ऑफिसर है, सब संभल के करना होगा। आप अपना इंतजाम कर लीजिए। शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। आपकी पिस्तौल? अरे हम कहां ले जाएंगे इसे? ईश्वर की भक्ति और राजनीति में वफादारी का इनाम बस यही मिलता है। आज से इस प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप जब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे ना, तो अरुण सिंह आपका एनकाउंटर कर देगा। उसके बाद हम अरुण सिंह को खत्म कर देंगे। यही प्लानिंग है भैया। मेरा छोटा भाई। हेलो आदि परम। साहब को जो पिस्तौल है जिसको लहराता रहता है उसको आपको, जिस सरकार के लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो, वही सरकार तुम्हारी ईमानदारी का मजाक बना रही है। तुम हमें मारोगे, जनता भड़केगी और उसे शांत करने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। आ! 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 आ!
मेरा काम था राजा को खत्म करना और राजा खत्म होगा। तुम्हारा यहां रहना सेफ नहीं है, तुम भी चलो हमारे साथ मले से। भैया आप हमारी जान बख्श दिए भैया। भैया हम आपका उपकार कभी जिंदगी हम नहीं, सब ऊपर वाला कर रहा है। तेरा ये हवाई जहाज, अरे तुम्हारा हाथ क्यों पकड़े हैं बे? सर प्लीज बी सीटेड। अरे डर लग रहा है, खिड़की चाहिए। अब तुम ही डर दूर करो।